जो हमने कही। हर साल की तरह इस साल भी असम बाढ़ की चपेट में है। कई लोग बाढ़ से मर चुके हैं, न जाने कितने ही बेघर हो चुके हैं। बचाव कार्य सरकार की तरफ से चल जरूर रहा है, पर वो दो दो दिन तक खाने का सामान तो छोड़ो, पानी भी नहीं मिल रहा है। हम आए हैं ये द्वारबंद सिलकुड़ी आइजल रोड पर हैं, और इस रोड पर अभी कमर तक पानी है। और इधर का जो लोगों का कहना है, जिन लोगों से मैं मिली हूँ, कहना है कि सरकार की तरफ से अभी तक 2 किलो चावल और 250 ग्राम दाल मिला है, बाकी अभी तक कुछ मिला नहीं है। और पानी वगैरह जो सरकार की तरफ से जो रिलीफ था, ये सब भी इधर नहीं आया है। डिजायर फॉर लाइफ की महिला विंग के अध्यक्ष गीता पांडे लगातार पिछले 15 दिनों से अपनी टीम के साथ बचाव में लगी है। महिला होने के साथ साथ गांव-गांव तक जरूरत का सामान पहुंचाने के लिए गीता पांडे रात दिन मेहनत कर रही है। आपको बताऊं, मेरे बच्चे सब पानी में डूबे हुए हैं, उनको दूसरे घर पर रखकर ये सब देखने के लिए मैं किसी और के घर पर रह रही हूँ अकेले। बच्चे फोन करके बोल रहे, मम्मी आओ, मेरे घर में कैंडल नहीं है, 8 दिन से लाइट नहीं है, लेकिन मैं आप सबकी सेवा में लगी हूँ। आप देख सकते हो मैं ज्यादा अंदर जा नहीं पा रही हूँ, काफी पानी है वहाँ पर। लोगों का घर भी पानी के नीचे, हम लोग जाकर उधर से देख कर आए हैं। बात यह है कि सरकार की तरफ से बहुत कुछ दिया जा रहा है, लेकिन सब तक पहुंच नहीं रहा है। और कुछ एनजीओ ने एप्लीकेशन दिया है कि उनको एनजीओ के अंडर से लोगों तक, जो उनके संगठन में काम करते हैं, ये लोग जब एनजीओ को कंप्लेन कर रहे हैं कि हमें कुछ नहीं मिला है, तो एनजीओ की तरफ से भी लेटर दिया गया है कई सारे एनजीओ में। लेकिन ये जो सिस्टम है, सिस्टम से जाने की वजह से अभी तक एनजीओ को ऐसा कुछ सामान मिला नहीं है जो लोगों को, गरीब लोगों को तक पहुंचाया जा सके। समाज सेवा कर रहे हैं एनजीओ, इनका अंडर से एक वीडियो से मैंने बात किया किसी वीडियो से, तो उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से एनजीओ को कुछ दिया नहीं जाएगा। अभी बात ये भी है कि सरकार ने एनजीओ को रजिस्टर करके दिया है, तो सरकार अगर रजिस्टर कर सकता है तो फिर एनजीओ को क्यों नहीं सामान देगा? क्योंकि जो एनजीओ में लोग काम कर रहे हैं, समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, समाज का सेवा कर रहे हैं, ये लोग घर तक पहुंचाने की दायित्व लेने के बाद भी सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला। अभी हम खुद गए हैं सिलचर विवेकानंद रोड पर, वहाँ पर एनडीआरएफ फोर्स का बोर्ड जो है, दो बोर्ड फील्ड में काम कर रहे हैं। अभी मंत्री आया है, 10 बोर्ड सुबह 10 बजे से लेके अभी करीबन 3 बजे तक मैं वहीं पर थी, 3 बजे तक 10 बोर्ड को वहां पर रोक कर रखा गया है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक एक भी बोर्ड फील्ड में काम नहीं किया है। तो सरकार भी चाहते हैं लोग बचे, हम भी चाहते हैं लोग बचे, लेकिन ये सिस्टम से कैसे बचेगा मेरी समझ की बाहर है। मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करूंगी, डीसी मैम काफ़ी तकलीफ कर रहे हैं, काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डीसी मैम से मैं ये कहूँगी कि आप ग्रासरूट लेवल में जाकर देखिए, गार्डन इलाके में जाकर देखिए, गाँव में जाकर देखिए, अभी तक आपने जो भी रिलीफ दिए हैं वो रिलीफ वहाँ तक पहुँचा नहीं है। हर जगह में पंचायत इलाका में जो है, पंचायत कह रहे हैं कि आप लोग हमारी ऑफिस से आकर लेके जाओ, जिसके घर में इतना पानी है, कमर तक पानी है, वो पंचायत ऑफिस तक कैसे पहुँचेगा? जो नहीं पहुँचा है उसका सामान उसको मिलेगा ही नहीं। तो ये सारी चीज़ चल रहा है। मैं डीसी मैम से रिक्वेस्ट करूँगी, आप पंचायत इलाका जो है उसमें आप खुद आकर तहकीकात करके देखिए कि पब्लिकों तक आपका दिया हुआ सामान पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे। ये छोटे छोटे भाई कुछ यहाँ पर है जो ये फ्लड अफेक्टेड एरिया में, ये लोग पानी में इतने कमर तक आना जाना कर रहे हैं। ये लोग बोलेंगे कि ये लोग अभी तक कितना तकलीफों का सामना किया, बोलो भाई। तकलीफ तो बहुत ही ऐसे हुआ है, और नाव भी भाड़ा लेता है 100 ऊपर जाने से, 100 रुपया लगता है एक आदमी का। अच्छा। आने का 100 और जाने का 100। अच्छा, खाने का कुछ मिला है आप लोगों को? खाने का तो अभी तक तो कुछ मिला नहीं है सरकार तरफ से। अच्छा, और कोई रिलीफ भी ऐसा दिया नहीं है? अच्छा, अभी तक कुछ नहीं मिला? मिला नहीं। अच्छा, आपने इस पर तो जो इस पर में मिल गया है उस पर मतलब मिला नहीं इतना। एक साइड में दिया गया है, एक साइड में नहीं दिया? नहीं। अच्छा, आप लोग देख सकते हैं ये जो छोटा सा भाई, ये बहुत साहस करके ये बोला है, क्योंकि सरकार के खिलाफ भी लोग आजकल बोल नहीं पाते, डरते हैं, लेकिन इनको मैं धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने ये साहस करके बताया। बात ये है कि यहाँ जो पानी में आपने देखा वो कमर तक पानी, देखिए लोग आ रहे हैं, कमर तक पानी है।
उस पार से इस पार तक, मतलब इस पार में जो है इस यहाँ पे रिलीफ कुछ मिला है, लेकिन ये पानी गुजरने के बाद उस पार में जो लोग रहते हैं उन लोगों का अभी तक कुछ नहीं मिला है। और यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए ये लोग जाने का 100 रुपये और आने का 100 रुपये नाव भाड़ा देते हैं। ये सिलचर में भी ऐसा है, मैं खुद भी 200-250 रुपये भाड़ा देकर, क्योंकि गाड़ी एक पहुँचता नहीं है जहाँ पर, वहाँ से ऑटो लेना पड़ता है, टुकटुकी लेना पड़ता है, 200-250 भाड़ा देना पड़ता है। Desire News, वास्तविकता वही जो हमने कही।